Okay, you even get a question like that, y is equal to a plus bc plus abc. ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है. अगेन ये भी कन्वर्जन का ही है. तो इसमें आप देखो b वाला टर्म भी मिसिंग है, c वाला टर्म भी मिसिंग है पहले वाले इसमें. सो विल यूज बोथ b वाला टर्म भी c वाला टर्म भी. सेकेंड में यू हैव ओनली द a टर्म मिसिंग, सो विल यूज a प्लस a बार. थर्ड वाले इसमें तो सब है, नो नीड ऑफ डूइंग एनीथिंग, जस्ट लीव इट एज इट इज, इसको वैसे ही छोड़ दो. अब नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, इसको हमको एक्सपेंड करना है. ए इंटू बी इंटू सी, तो ए बी सी बना. वैसे ए इंटू बी इंटू सी बार एक बनेगा, फिर ए इंटू बी बार सी एक टर्म बनेगा, ए इंटू बी बार सी बार ये एक टर्म बनेगा. इस तरीके से ये एक एक इस वाले एक्सप्रेशन से यू गेट फोर टर्म्स जनरेटेड. उसके बाद यू हैव ए बी सी इंटू ए प्लस ए बार, इसमें बनेगा ए बी सी प्लस ए बार बी सी. और ये लास्ट वाला टर्म जैसे था वैसे ही आप यूज़ करोगे. नाउ द लास्ट वाई, आपको सिर्फ सबको लिखना है ढंग से. दैट्स इट, क्लियर? दैट्स इट.